हेलो स्टूडेंट्स दिस इज मेघा एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ द पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स थीम इन द प्रीवियस वीडियो राइट दैट इज सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज इस पोम के थ्रू पोइट ये बताना चाहते हैं कि स्लम एरिया में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ कितना इनजस्टिस होता है हमने देखा कि पोएट की स्टार्टिंग में ही द पोएट इज कंपेयरिंग दीज चिल्ड्रन टू अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स नो वन इन दिस अलाइट सोसाइटी इन दिस एजुकेटेड एंड रिच सोसाइटी वांट्स दिज चिल्ड्रन टू लिव एंड नाउ वी नो दैट द पोएम ऑफ वर्ड द वर्ड ऑफ रिच एंड द वर्ड ऑफ पुअर ऑन द वर्ल्ड साइड वी फाइंड द हैव पीपल हु आर हैविंग हैवरी थिंग इन देयर लाइव्स बट ऑन द अदर साइड We find have not the children the people who even don't have the basic needs of life in the first part of the video we have the description of poor children's faces studying in a slum school in their faces pale or lifeless say with no hope no dreams and no future now let's start the second part of the poem and know what we can do to reform their condition surely shakespeare is wicked Wicked means cruel and evil. Okay, so why the poet is calling Shakespeare a wicked person? Wicked, Yanigi, bura Because he portrays a word of optimism and hope and love in his writings. Shakespeare is also a symbol of knowledge and literacy. But for the poor children of slum it's quite useless. And the map, a bad example. Here, the map is a bad example. Why? बिकॉज जो बच्चों के क्लासरूम में मैप लगा है इट्स नॉट शोइंग द रियल वर्ल्ड लव इजलैक्टिंग द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ये चीजें तो दिखा रहा है संसार की लेकिन कुछ चीजों को ये नेगलेक्ट कर रहा है इट्स नॉट शोइंग द रियल वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन दैट इज कंफाइंड टू द नेरो एंड डर्टी स्ट्रीट ऑफ द स्लम विद्स एंड एंड लव टिंग स्टील Because they might never experience these beautiful things in their lives, so they want to steal the things. For lives that slyly turn in their cramped hole from fog to endless night. Now,

On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones. Here, slag heap refers to the bodies of these children. Now, as you are looking at the pictures, you can easily imagine how malnourished these children are. It refers to the badly nourished and very weak bodies of the children who live in the poor condition in slum. They are just like unwanted waste materials. और इन पुअर बच्चों की अंडर नरिश्ड बॉडीज एक स्केलेटन के अलावा और कुछ नहीं लगती है ऐसा लगता है जैसे उनकी बोन्स उनकी स्किन से बाहर झांक रही हो यू कैन काउंट देयर बोन्स इन द पिक्चर्स ये हंगर और गरीबी की मार है विद मैंड क्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑफ स्टोन ऑल their time इन स्पेस आर फॉगी स्लम्स बच्चों का जितना भी टाइम और स्पेस है ऑल आर कन्फाइंड टू दीज slums only. एक ब्लॉट मतलब एक धब्बे की तरह लग रहे हैं एंड इट लुक्सर्ड कलरफुल मार्क्स रिच पीपल यहाँ पर पोइट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्लम है ये की में एक ब्लॉट से ज्यादा और कुछ नहीं है These slums are a to the टू द ब्यूटिफुल मैप ऑफ of ऑफ रिच एंड नाउ द stanza ऑफ द poem, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर नाउ पोइट इन वोक्स द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर बिकॉज दे आर द पावरफुल पीपल हु कैन ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द माइजरेबल लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन पोइट इन लोगों से अपील करता है कि ये स्लम एरिया आपको विजिट करें और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें बच्चों की लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करने में दिस मैप बिकम्स their window and these window that shut upon their life like catacombs break or break ye ये जो मैप है मैप beautiful world ye ये उन बच्चों का ban बन जाना चाहिए अभी इन बच्चों की विंडो कौन सी है स्लम एरिया की डर्टी सराउंडिंग्स की जो कैटाकॉम्स की तरह है कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड सीरीज ऑफ ग्रेव्स बहुत सारी कब्रें उनकी तरह है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मैंटल और फिजिकल डिवेलपमेंट ब्लॉक हो चुकी है तो पोईट फर देश दैट ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द पोएट इज सेवरफुल पीपल शुड ब्रेक ऑल द बैरियर एंड ऑबस्टेक जिन्होंने इन बच्चों को बांध कर रखा है वे सभी बैरियर्स वो सभी रुकावटें ऑबस्टेक वे कौन सी है वे है पावर्टी और उन बच्चों की डर्टी सराउंडिंग्स इन डर्टी सराउंडिंग्स से इन स्लम चिल्ड्रन को बाहर निकालना होगा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से बाहर निकाल कर ग्रीन फील्ड्स में लाना होगा जहां ये स्लम चिल्ड्रन खुली और ताज़ी हवा में सांस ले सके वे दे कैन फील द रियल फ्रीडम ओनली द पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन Bridge the gap between the two words, the beautiful word of the great and rich, and the ugly word of the slum. Run theory on golden sand means economical empowerment of these children. And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. In lines ka matlab hai, ki jo slum children hai. दे शुड एन्जॉय फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एज वेल एज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि ना सिर्फ वो नॉलेज एक्वायर करें बल्कि उस नॉलेज को आगे कैसे एक्सप्रेस करना है ये भी वो विदाउट एनी फियर विदाउट हैजिटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन समझ सकें द पोइट वॉन्ट्स दिस चिल्ड्रन टू रीड एंड लर्न एज मच एज दे कैन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन सो दैट दे कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन फ्राम नेचर और वो नेचर से

The vast of this world is governed by the rich dictator and powerful people. But there are people who create their history through their own language, ideas, and views. Sun is a symbol of knowledge and wisdom. So, the poem ends here. And we can see that by the poem, the poet wants to grab everyone's attention to reform the society and to do something for the education of the slum children. Now let's have a quick revision of the poem. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन रिटन बाई स्टीफन स्पैंडर इसकी फॉर्म है फ्री वर्ड्स फॉर्म यानी कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है थीम इज सोशल इनजस्टिस एंड द टू पोइट्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरिया लिटरेरी डिवाइसिस जो इसमें यूज हुए हैं वो एक है रिपीटिशन क्योंकि फार फार वर्ड शुरुआत में हम देखते हैं बार बार रिपीट हुआ है सेकंड वर्ड इज सिमिली वे आर वी कम्पेयर टू डिसिमिलर थिंग्स हे द चिल्ड्रन चिल्ड्रेसिस आर कम्पेयर टू रूटलेस वीड्स थर्ड इज एलिट्रेशन में एस स्पेक्टिकल स्टील्स में एस बॉटल बीट्स में भी बार बार रिपीट हुए हैं इमेजरी यानी कि कल्पना और जो जो हम इमेजिनेशन में क्रिएट कर रहे हैं वो सीन्स मैटर अगेन वे वी कम्पेयर टू थिंग्स पेपर स्विमिंग बॉय बॉय कैसा है पेपर स्विमिंग विथ रेड्स आईज ये सभी लिटरेरी डिवाइसिस इस फॉर्म में यूज हुए हैं नाउ की पॉइंट्स द चिल्ड्रन इन द स्लम्स आर फार फ्राम रिसेंबलिंग द माइटी वेवस ऑफ सी सी की वेव्स कैसी होती है बहुत ही माइटी होती है लेकिन जो क्लासरूम में चिल्ड्रन है दे आर लाइक रूटलेस वीड्स अनवॉन्टेड वाइल्ड प्लांट्स, वीक है मेल नरिश्ड है एंड डिवॉइड ऑफ एनी एनर्जी और बच्चों के क्लासरूम में जो सीन है वो काफ़ी ही मिजेबल है अ गर्ल स्टैंड विथ हर हेड बोर्ड डाउन सर झुका कर खड़ी है अ बॉय इज सो थिंग दैट ही लुक्स एज इफ इज मेड ऑफ पेपर स्मॉल डिंगी क्लासरूम जो है इस्ट विद डोनेशन और वो डोनेशन क्या है शेक्सपियर का बस्ट पेंटिंग ऑफ ब्यूटीफुल वैली एंड अ मैप लेकिन ये जो मैप है ब्यूटीफुल मैप है इट्स फार फ्रॉम द परफेक्ट वर्ल्ड दे लिव इन विद इच लीड स्काई एंड डर्टी सराउंडिंग्स बच्चों का वर्ड बिल्कुल अलग है जो स्काई है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है और उनके आसपास की सराउंडिंग बहुत ज्यादा डर्टी है द लाइन्स ऑफ शेक्सपियर आर्ट कल्चर एंड मैप ऑल आर बैड एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड एज दे डोंट कॉरेस्पॉन्ड टू द रियल कंडीशन द किड्स लिव इन एंड माई लीड दैम टू कमिट क्राइम्स बाई टिंग दैम फॉल्स प्रोमिस अब ये ऐसी चीजें हैं कि ये सिर्फ बच्चों को टैम्प्ट कर सकती है लुभा सकती है चीजें चुराने के लिए क्योंकि वो इनको वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते है बच्चों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर देना चाहिए और ये इंप्रूव कौन करेगा सोसाइटी के जो इंफ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल है वे लोग सो वट डू यू थिंक कैन यू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम कैन यू स्टूडेंट्स In this poem, Stephen Spander is appealing the inspector, the visitor and the governor to come forward to help these poor children. But don't you think it's also our moral responsibility to improve their conditions? If we can't provide them good education, at least we can try to provide them good food and clothing. What do you think? My message is conveyed here. Jai Hind.